हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस। तो देखिए, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज पेपर टू। हम लोगों ने अभी तक पेपर वन के ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। पेपर वन के फिजिकल ज्योग्राफी को अभी हम लोगों ने होल्ड पे रखा है, पहले पेपर टू कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स पेपर वन अगेन फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। और इस तरीके से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल को हम लोग फिनिश कर लेंगे। देखिए, जो लोग भी नए हैं उनके लिए अगेन दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा कि आप टेलीग्राम की लिंक ये ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी गई है, तो यू कैन ज्वाइन दिस फॉर मोर अपडेट्स। इसके अलावा अगर आप गोरखपुर के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में हैं एंड यू वॉन्ट अ फेस टू फेस क्लास, देन यू कैन कम। फेस टू फेस क्लास इज गोइंग ऑन इन हरिओम नगर गोरखपुर। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल भी हैं, जैसे प्रीलिम्स के कोर्सेज हो गए, मेंस के कोर्सेज हो गए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जिसको कि आप अकॉर्डिंगली वॉच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज, देन यू कैन सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। ये सारे अवेलेबल टेस्ट सीरीज है, अपने प्रिपरेशन को बेटर तरीके से इवेल्युएट करने के लिए आप ये टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली देख रखा था इस पूरे पूरे सिस्टम के बारे में। अब हम लोग जरा इसकी डिटेलिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी आर्कियन फॉर्मेशन। आर्कियन फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें बात भी की हुई थी कि ये प्री कैम्ब्रियन रॉक बोली जाती है इसको। आर्कियन रॉक, विच इज ऑल्सो नोन एज प्री कैम्ब्रियन रॉक, आर द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दीज आर द ओल्डेस्ट रॉक विच आर बींग डेवलप्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण से बन रही होती है। The Archean period covers 86.7% of total geological history time of Earth and therefore is very significant. This period marks the development of first photosynthesis, the life support atmosphere. तो बेसिकली यहां पर है क्या कि डेवलपमेंट ऑफ अर्थ हो रहा है, जहां पर हमें न्यू एटमोस्फियर या कह सकते हैं कि फर्स्ट एटमोस्फियर हमें देखने को मिल रहा है जो लाइफ सपोर्टिंग है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एटमोस्फियर बहुत सारे बने थे लेकिन लाइफ सपोर्टिंग ये फर्स्ट एटमोस्फियर बना था हमारे इस प्री कैम्ब्रियन रॉक एज में, या फिर बोल सकते हैं आर्कियन रॉक एज में। क्लियर। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात किया जाए तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियन रॉक इज दैट दे आर एजॉइड। अब जैसे देखिए, आप लोगों ने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा होगा कि जितनी भी इग्नियस रॉक होती है दे आर एजॉइड, मतलब यहां पर क्या होती है, किसी प्रकार की लाइफ नहीं होती है। लाइफ ना होने का मतलब क्या है, दीज आर नॉन फॉसिलीफ्यूरस। नॉन फॉसिलीफ्यूरस मतलब क्या है, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसमें पेट्रोल वगैरह भी नहीं पाया जाएगा। तो यहां पर कोई भी मरीन एनिमल चूंकि दबा नहीं है, इस वजह से यहां पर किसी भी प्रकार की फॉसिलीफेरस नहीं पाई जाती है। इसके अलावा दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में होते हैं, इनमें लेयरिंग नहीं दिखाई देती है। तो लेयरिंग नहीं होती है, दे आर नॉन लेयर्ड स्ट्रक्चर, दे आर नॉन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया। तो जितनी भी चीजें आपकी इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आप आर्कियन रॉक सिस्टम में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा इग्नियस सिस्टम से ही बना हुआ है। तो दे आर एजॉइड मींस दैट दे आर डिवॉइड ऑफ एनी फॉर्मेट ऑफ रिमेंट ऑफ लाइफ इन देम। दे सर्व एज बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी इनको बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग दीज आर प्लेटफॉर्म्स। ये एक तरीके के प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे मिनरल रिसोर्स वगैरह पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्स वगैरह पाए जाते हैं। कुछ समझ में आया क्या चीज है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बोलता है, द आर्कियन रॉक इन इंडिया आर कॉल्ड एज पुराना रॉक्स। पुराना क्यों? क्योंकि दे आर द ओल्डेस्ट रॉक्स। द आर्कियन और पुराना रॉक सिस्टम इन इंडिया आर फाउंड इन अरावली। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो अरावली है इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन ये आर्कियन रॉक सिस्टम के अंतर्गत ही आती है, मतलब ये सबसे पुराना डेवलपमेंट हुआ है। और इस समय 2/3 ऑफ डेक्कन पेनिनसुला एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ था हमारे इस पुराना रॉक सिस्टम में या फिर आर्कियन रॉक सिस्टम में। यानी बेसिकली हमें क्या हुआ, एक तो हमें पता चल गया है कि अरावली रॉक के अरावली का एरिया से बन रहा है, दूसरा हमें पता चल गया कि देखिए जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला का मतलब इसकी केवल और केवल टोपोग्राफी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टोपोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा साउथ इंडिया है, इस तरीके से जो हमारा साउथ इंडिया है ये बेसिकली यहां से ऊंचा है, ये ऊंचा है और यहां पर रिलेटिवली कम ऊंचा है।
तो बेसिकली हमें एक इस तरीके का टेपरिंग शेप देखने को मिलता है, और ये जो टेपरिंग शेप है इसी का डेवलपमेंट हम लोग बात कर रहे हैं अपने इस आर्कियन एज में, अपने इस आर्कियन एज में। क्लियर हो गया? हम लोग यहां पर कहीं पर भी लावा, कहीं पर भी ब्लैक सॉइल, कहीं पर भी हम लोग डेक्कन ट्रैप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टेपरिंग के बारे में, और ये टेपरिंग हमें देखने को मिल रहती है हमें इस आर्कियन रॉक के फॉर्मेट में। क्लियर है? सिमिलरली हमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि जो हमारा शिलोंग प्लेटू है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है हमारे इस रीजन में। क्लियर हो गया? तो ये तीन रीजन है जो कि हमें अपने इस आर्कियन रॉक सिस्टम में देखने को मिलती है। इस रॉक में सीधी सी बात है वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, तो 100% श्योर है कि यहां पर मिनरल्स काफी ज्यादा पाए जाएंगे। ये मिनरल्स हमारे मेटालिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटालिक दोनों ही हो सकते हैं, तो यहां पर कोई अंतर नहीं है। इसीलिए क्या होता है, दीज आर अबंडेंट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, टिन, जितने भी मतलब आप जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में सोच सकते हैं, सारा का सारा आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग डेवलप्ड ड्यू टू दिस वोल्केनिक एक्टिविटी। कुछ क्लैरिटी आई आर्कियन फॉर्मेशन की? इस आर्कियन फॉर्मेशन में अगर आप देखते हैं तो आर्कियन फॉर्मेशन ऑफ ऑल एंशियंट, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, डाना के द्वारा ये फर्स्टली डिस्कस किया गया था, एक मैं क्लियर कर देता हूं आपको दिखेगा। दे आर डेवलप्ड इंट्रोड्यूस बाई डाना विच रिफर टू ओल्डेस्ट रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा आर्कियन रॉक्स आर फाउंडेशन ऑफ ऑल एंशियंट प्लेटू, जितने भी एंशियंट प्लेटू वगैरह हैं उनके लिए ये फॉर्मेशन के लिए ये बेसिक है। एंड दे फॉर्म द कोर ऑफ ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन रेंज, क्योंकि जितने भी साउथ की जितने भी ग्रेट फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनके लिए अगेन कोर का फॉर्मेट का मतलब है कि ये उसके लिए एक बेस बना, और इसी के सेडिमेंटेशन, इसी के इरोजन, इसी के मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्मेट में होने के बाद जो भी हमारी आज की डेट की फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमें देखने को मिल जा रही होती है। क्लियर हुआ क्या चीज है? आगे अगर बढ़े तो आगे देखिए हमारे पास अब इसकी फिगर आ जाती है। दिस इज द फोटो ऑफ आर्कियन रॉक फॉर्मेशन। अब आर्कियन में हम लोगों ने बात क्या किया था, एक हमारा शिलोंग प्लेटू वाला पार्ट था, तो देखिए शिलोंग प्लेटू वाला पार्ट हो गया। हम लोगों ने बात किया था अरावली माउंटेन, तो ये देखिए अरावली का एरिया हो गया, और हम लोगों ने पूरा का पूरा साउथ का एरिया देखा था, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह देखा, तो देखिए ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आ जाती है अगेन किसके फॉर्मेट में, ये आ जाती है हमारी पूरी की पूरी आर्कियन में। अब देखिए इसी के नेबरिंग एरिया में ये सारा का सारा जितना भी आपको ओपन एरिया दिख रहा है ये पूरा का पूरा अब नेबरिंग एरिया है। दीज आर द नेबरिंग एरियाज। तो ये जो नेबरिंग एरिया है ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर अब आगे जितने भी ये इग्नियस रॉक्स हैं, मतलब कि जो भी हमारे आर्कियन के जो इग्नियस रॉक हैं, अब ये विंड के, अब ये वाटर के, वाटर मतलब ग्राउंड वाटर और रेनफॉल वाटर दोनों ही वाटर के, इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स के संपर्क में आएंगे। अदर एलिमेंट मतलब जो भी बायो ज्योग्राफिकल है, जैसे कीट पतंग जितनी भी चीजें, उनके जब भी ये कॉन्टैक्ट में आएंगे इरोजन होना शुरू हो जाएगा। इरोजन, इस इरोजन के बाद क्या होगा, डिपोजिशन होना शुरू होगा। इस इरोजन और डिपोजिशन के फॉर्मेट में अब हमें न्यू रॉक्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। और न्यू रॉक्स क्यों मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेडिमेंट लगातार एक दूसरे के ऊपर ये जुड़ता जा रहा है, लेयरिंग होते जा रही है, और लेयरिंग के बाद लगातार इन पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पड़ता रह रहा है, जिसके कारण से ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे अपने इस मेटामॉर्फिक फॉर्मेट में, और हमें न्यू रॉक सिस्टम जो कि धारवाड़ सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो हमारा हो जाता है धारवाड़ सिस्टम, और धारवाड़ फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें, दिस इज बेसिकली प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा प्री कैम्ब्रियन है उस कैम्ब्रियन से हम लोग आगे बढ़कर के कैम्ब्रियन एज में आ जाते हैं, दैट कम्स अंडर प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन। धारवाड़ सिस्टम इज लेटर देन द आर्कियन सिस्टम बट ओल्डर देन अदर सिस्टम। जैसे अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले वीडियो में जाकर के अगर आप देखेंगे तो मैंने वहां पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें सबसे पुराना हमारा आ जाता है आर्कियन, लेकिन कैम्ब्रियन वाली एज भी या फिर कह लीजिए धारवाड़ सिस्टम भी बहुत पुराना है। इनफैक्ट आर्कियन से जस्ट बाद धारवाड़ ही आता है, तो बेसिकली अदर सिस्टम से ये काफी ज्यादा ओल्डर सिस्टम है। देन यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर द अर्लियस्ट सिस्टम। द धारवाड़ पीरियड इज रॉक फॉर्मेशन हैज बीन लार्जली फिक्स फ्रॉम 2500 मिलियन ईयर्स एगो टू 1800 मिलियन ईयर्स एगो। धारवाड़ रॉक सिस्टम इज स्पेशल बिकॉज इट इज द फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक। देख रहे हैं आप, देखिए सीधी सी बात है, जितना भी कोई चीज ओल्ड रहेगा उतना ही ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के
अंडर में इंफ्लुएंस में आ जाएगा और इसी वजह से वो मेटामॉर्फिक भी बनता जाएगा। इसी वजह से जो धारवाड़ फॉर्मेशन है, दीज आर बेसिकली फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी रॉक इन इंडिया। कुछ क्लैरिटी आई? दे आर नेम्ड धारवाड़ बिकॉज दे आर स्टडीड अंडर धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका। मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो धारवाड़ है वो कर्नाटका के पास में आता है, कटप्पा रीजन आंध्र प्रदेश में आता है और हमारी जो नेक्स्ट विंध्यन रेंज है वो हमारी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में आ रही होती है। तो इसीलिए इस धारवाड़ रीजन की जो स्टडी की गई थी वो पाई गई थी कर्नाटका में और इसीलिए इसका नाम भी धारवाड़ पड़ गया। लेकिन ये केवल और केवल धारवाड़ में नहीं पाए जाएंगे, कहां पाए जाएंगे? जहां जहां पर आर्कियन था उसके नेबरिंग में पाए जाएंगे। अब नेबरिंग में मैंने आप लोगों को इसके तीन एरियाज बताए थे। एक एरिया मैंने आप लोगों को बताया था जो कि पेनिनसुलर का ही पार्ट था, पेनिनसुलर मतलब साउथ इंडिया वाला पार्ट था, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था जो कटप्पा का रेंज था, कटप्पा, कटप्पा का मतलब हो गया कि आपके जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले पार्ट में थे, तो मैंने यहाँ पे कटप्पा लिख दिया। तीसरा मैंने आप लोग को बताया था जो शिलोंग प्लेटू के पास में था, ये कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट के पास में था, तो शिलोंग प्लेटू के एरिया में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या है इन तीनों के फॉर्मेट में, यहाँ पे सॉरी अरावली है, दिस इज अरावली, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन तीन इलाके में ही आर्कियन रॉक्स वगैरह मिले थे और मैंने बोला कि धारवाड़ सिस्टम ऑब्वियसली इनके नेबरिंग एलिमेंट में पाया जाएगा। तो नेबरिंग का एलिमेंट का मतलब अरावली, अरावली के पास में पाया गया, चलिए ठीक है, अरावली का फॉर्मेट हो गया। तमिलनाडु पेनिनसुलर इंडिया के पास में पाया गया। छोटा नागपुर का पठार जो है वो अगेन जो होता है अरावली शिलोंग प्लेटू के पास में आ गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। मेघालय अगेन शिलोंग वाले में चला गया। दिल्ली, दिल्ली खैर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एंड हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन का मतलब तलहटी, मतलब फूट हिल्स के बारे में बात की जा रही है, प्लेन्स एरिया के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली वो अरावली रेंजेस से निकल के बारे में बात की जा रही है। तो ये चला जाएगा दिल्ली के फॉर्मेट में, बिकॉज आप लोग को पता होगा कि अरावली रेंज हैज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स कहां तक, अरावली के मतलब कि दिल्ली तक है। जेएनयू में आप जाइए वहां पर अरावली के रेमिनेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पर भी अरावली पर ही है, ठीक है। तो यहां पर अरावली या फिर हिमालयन के रेंज के पास में मिल जा रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द नेबरिंग एरियाज ऑफ आर्कियन और ये आर्कियन से ही यहां पर धारवाड़ के इलाके बन जा रहे होते हैं, जो कि इसी का टूटा हुआ पार्ट है, इसी का इरोडेड फॉर्मेट है और ये इरोडेड फॉर्मेट लगातार हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से गुजरा है और मेटामॉर्फिक हो गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है धारवाड़? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे दे आर ऑब्वियसली, अगर मान लीजिए कि इग्नियस से मिलके बना और इग्नियस काफी ज्यादा मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल रिच होते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर भी वो सारे के सारे मिनरल्स पाए जाएंगे। तो इस वजह से ये रिच हो जाते हैं आयरन ओर में, मैंगनीज में, लेड में, जिंक में, गोल्ड में और सिल्वर में बेसिकली। अब यहां पर बहुत सारी सीरीज पाई गई है, जैसे चैंपियन सीरीज वगैरह हो गई, नंबर ऑफ सीरीज आर देयर। इस सीरीज में जैसे चैंपियन सीरीज कंटेनिंग गोल्ड माइंस पाई जाती है, चैंपियन सीरीज, चैंपियन सीरीज है कहां पर? कर्नाटक में, ठीक है। लाइव विद इन दिस रीजन द चैंपियन सिस्टम इज नोन एज चैंपियन रीफ इन कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड कंटेन वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो गया। इनफैक्ट कोलार गोल्ड माइन में काफी ज्यादा गोल्ड थी, हालांकि हम लोगों ने काफी कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट स्टिल देयर इज सम गोल्ड लेफ्ट इन दैट माइन। बस हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी हम लोग पुअर हो जा रहे हैं, तो इस वजह से उसको हम लोगों ने अभी फिलहाल रोक रखा है। अगर बात करते हैं कुछ धारवाड़ सिस्टम की कुछ सीरीज के बारे में, तो वी हैव नंबर ऑफ सीरीज, जैसे एक होती है जो चैंपनर सीरीज है जो कि फाउंड नियर बड़ोदरा, ठीक है, एंड दिस इज सोर्स ऑफ लश ग्रीन वेराइटी ऑफ मार्बल। दूसरी जो सीरीज है वो है क्लोस्पेट सीरीज, जो कि भालाघाट छिंदवाड़ा ऑफ मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ जाती है, जो कि कॉपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर के लिए काफी कुछ आप लोगों ने नाम वगैरह भी सुना होगा, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट भी आती है। इसके अलावा चिल्पी सीरीज होती है जो कि क्लोस्पेट सीरीज इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा के पास में ही पाई जाती है। नेक्स्ट जो सीरीज है उसका नाम है आयरन ओर सीरीज, जो कि सिंहभूम मयूरभंज क्योंझर रेंजेस ऑफ उड़ीसा में पाई जा रही होती है। इसके अलावा खोंडोलाइट सीरीज है जो कि स्टोन घाट में पाई जा रही होती है कृष्णा के पास में। रियालो सीरीज जो कि राजस्थान और दिल्ली के पास में पाई जा रही होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। साकोली सीरीज जो है जबलपुर रीवा मध्य प्रदेश के बारे में पाई जाती है। सौदर सीरीज जो है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बारे में पाई जा रही होती है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे तीनों सीरीज में आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे अगर बड़ौदा के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या है, ये अरावली के पास वाला इलाका है, ठीक है। क्लोस्पेट के बारे में बात करें तो अगेन दिस इज अरावली वाले पार्ट में आ जाएगा। चिल्पी सीरीज के बारे में बात करें तो अगेन ये अरावली के फॉर्मेट में आ जाएगा।
आयरन ओर के बारे में बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के फॉर्मेट में आ जाएगा, छोटा नागपुर प्लेटू या फिर शिलोंग प्लेटू में आप चले जा सकते हैं। इसके अलावा अगेन दिस कम अंडर छोटा नागपुर प्लेटू। रियालो सीरीज के बारे में बात करें तो अगेन ये अरावली फॉर्मेट में चला जाएगा। रीवा के बारे में बात करें तो अरावली फॉर्मेट में चला जाएगा। सौदर सीरीज के बारे में बात करें तो अगेन ये अरावली के फॉर्मेट में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये सीरीज डिवीजन किया गया है, डिवीजन क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोड़ा देखिए, यहाँ पर क्रिस्टलाइन नेचर, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा लेयरिंग में डिफरेंस देखने को मिला था हमें, लेयरिंग में डिफरेंस। और इस लेयरिंग में डिफरेंस होने के कारण हम लोगों ने अलग अलग सीरीज फॉर्मेट बना लिए। तो बेसिकली जो हम लोगों ने धारवाड़ में हम लोगों ने तीन रीजन के बारे में बात किया है, इन तीनों रीजन में ही कुछ सब रीजन बोल सकते हैं या सब सीरीज बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि इनमें भी थोड़ी मोड़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिली, और इसी वजह से हम लोगों ने इसका सब कैटेगराइजेशन कर दिया है इन द अलग अलग फॉर्मेट ऑफ सीरीज। क्लियर हो गया? आपको केवल और केवल इन सीरीज का नाम याद रखना है, बाकी आपको एरिया अपने आप पता ही चल जाएगा कहां पर क्या है। इस धारवाड़ के बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट आता है, अच्छा नेक्स्ट फॉर्मेट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जरा इसकी कुछ लोकेशंस। तो देखिए ये हमारे कुछ फुट हिल्स में आ गए हैं, जो हिमालयन रेंजेस के फुट हिल्स में हो गए। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन वाला हो गया, ये हमारा छोटा नागपुर के प्लेटू वाला रीजन हो गया, ये हमारा अरावली के पास वाला इलाका हो गया, और ये हमारा हो गया जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ये देखिए दीज आर कनेक्टेड, ये कोई अलग नहीं है, एंड अगेन दीज आर कनेक्टेड, कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों शिलांग प्लेटू का ही पार्ट बनते हैं। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये हो गया रीजन नंबर वन, ये हो गया रीजन नंबर टू, और ये हो गया रीजन नंबर थ्री, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आर्कियन से ही नेबरिंग रीजन में हमारे बन रहे हैं ये सारे के सारे सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन आता है कडप्पा फॉर्मेशन। ये कडप्पा फॉर्मेशन हमें बेसिकली देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के एरियाज में, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इस कडप्पा फॉर्मेशन को पुराना सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट होते हैं। कडप्पा रॉक फॉर्मेशन आर रिच इन मेटामॉर्फिक, अगेन देखिए मेटामॉर्फिक रॉक में है। क्यों रॉक में है? क्योंकि आर्कियन के ही वोल्केनिक एजेस को इन लोगों ने बनाया हुआ है, टूटने से बना है। और ये बने क्या क्या है, जैसे सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गई, लाइमस्टोन हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, स्लेट हो गया। अब यहां पर भी जब आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, कुछ कुछ सेडिमेंटरी रॉक के भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सेडिमेंटरी रॉक के एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि ये इग्नियस टूट करके सेडिमेंटरी में तब्दील हुआ, और ये सेडिमेंटरी ही आगे जाकर के मेटामॉर्फाइज्ड हो रहा है। तो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल हमें सेडिमेंटरी के भी देखने को मिलेंगे और कुछ एग्जाम्पल हमें मेटामॉर्फिक के भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लाइमस्टोन वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि दीज आर सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशंस। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर भी कुछ क्या है, मिनरल ओर्स मिलेंगे ही, और मिनरल्स यहाँ जो मिल रहे हैं वो जैसे आयरन ओर मिलेगा और कुछ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ओर एंड मिनरल मिल रहे होते हैं। इंफीरियर क्वालिटी क्यों? क्योंकि सरफेस पे और सरफेस पे लगातार ये एक्सटर्नल एजेंट के रिएक्शन, एक्सटर्नल एजेंट के इंफ्लुएंस में आ रहे हैं। तो केमिकल और फिजिकल जितने भी रिएक्शंस हो सकती हैं वो सारी रिएक्शंस यहाँ पे होती रहेंगे, एंड आफ्टर ऑल एक इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ओर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ी मोड़ी क्लैरिटी आ रही है? तो दे आर बेसिकली फाउंड कहां पर? दे आर बेसिकली फाउंड इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अलॉन्ग द अदर प्लेसेज, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, एंड लेसर हिमालय हो गया। तो अगेन आपको देखने को मिलेगा कि जो कडप्पा फॉर्मेशन भी है, ये भी अगेन जो धारवाड़ है उस धारवाड़ के भी नेबरिंग एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इज कडप्पा इज पापाग्नि सीरीज, नेम्ड आफ्टर द सेम रिवर, जो पापाग्नि रिवर बहती है आंध्र प्रदेश के पास में, उसी सीरीज, उसी के नाम पे पड़ गया था ये सीरीज का नाम। द सीरीज इज इंक्लूडेड बाय मैग्मा इन द फॉर्मेट ऑफ डाइक्स एंड सिल्स विच हैव मेटामॉर्फाइज्ड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, टैल्क, स्लेट एंड सर्पेंटाइन। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्मेट, कुछ कुछ मिनरल्स के भी नाम दिए गए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगेन बात किया जाए, जो आर्कियन में हम लोगों ने जैसे देखा हुआ था, आर्कियन में हमारे तीन रीजन मिले हुए थे। एक रीजन हमारा मिला था जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हुआ करता था, दूसरा रीजन हम लोगों को अरावली का पार्ट मिला हुआ था, और तीसरा पार्ट हमें मिला हुआ था नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। इस पेनिनसुलर से आगे बढ़ते हैं, और आगे से जैसे ही हम लोगों ने बढ़ा तो हम लोगों ने देखा हमारे धारवाड़ का पार्ट। धारवाड़ के पार्ट में हम लोगों ने देखा था पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे तमिलनाडु वगैरह में हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद से कृष्णा रिवर के पास में हम लोगों ने देखा हुआ था। अरावली के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, ये हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करते हैं तो छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में हमें मिल गया था, और शिलांग प्लेटू के एरियाज में हमें मिल गए थे एरियाज धारवाड़ के। धारवाड़ के बाद मैंने बोला कि आपको भी अगेन नेबरिंग एरिया में मिलेगा जो कि है कडप्पा रीजन।
तो इस कडप्पा में अगर बात करते हैं तो अगेन हमें कुछ नेबरिंग एरिया में ही मिल जाएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो एरिया हो जाता है वो इसी आंध्र प्रदेश का एरिया हो जाता है, तमिलनाडु के नेबरिंग एरियाज में आ जा रहे होते हैं। इस तमिलनाडु के अलावा हमें अगेन छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और लेसर हिमालय, मतलब कि हमें छत्तीसगढ़ का मतलब छोटा नागपुर के प्लेटू के रीजन में चला गया हम लोग। फिर राजस्थान में हम लोग बात करें तो अरावली रेंज में चले गए, दिल्ली में चले गए तो अरावली रेंज में अगेन चले गए। तो अगेन हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अगेन, अब देखिए जैसे हवा चल रही है तो हवा के चलने से स्प्रेडिंग हो रही है, और इस स्प्रेडिंग के होने के कारण से अलग अलग रॉक फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं, और इस तरीके से हमारी जो फेज वाइज, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाइज जो हमारी स्ट्रक्चर एंड रिलीफ है वो भी चेंज होती जा रही है। अगर हम लोग देखते हैं इस कडप्पा रीजन के बारे में, कडप्पा और विंध्यन फॉर्मेशन दोनों ही एक साथ यहाँ पर दिखा दिया गया है, तो अगर इस कडप्पा और विंध्यन में देखा जाए तो देखिए कडप्पा रीजन जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको मिल रहा है हमारे इस आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के रीजन में मिल रहा है कडप्पा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए जो हमारा दिल्ली और राजस्थान के एरिया में बताया गया है, और यहाँ पर छोटा नागपुर के प्लेटू के पास पास वाला वो नहीं दिखाया गया आपको, ठीक है, तो उसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत छोटा फॉर्मेट है इसलिए दिखाया भी नहीं गया है। इसके अलावा विंध्यन रेंजेस में भी दिखाया गया, तो विंध्यास में जो आप देखेंगे तो बेसिकली विंध्यन रेंज जितनी ये है, जहां जहां विंध्यास फैली हुई है वही विंध्यास में हमें ये पूरा का पूरा इलाका देखने को मिल जा रहा होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कडप्पा एंड कडप्पा रीजन एंड धारवाड़ के रीजन को कनेक्टिंग वाली जो होती है उसी को बोलते हैं हम लोग विंध्यन रेंजेस, और हमारा यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज विंध्यन फॉर्मेशन। विंध्यन माउंटेन अलॉन्ग विद डिवाइडिंग लाइन बिटवीन गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू। तो ये हम लोगों को भी पता है कि यहाँ पर विंध्यन फॉर्मेशन जो होती है, विंध्यन रेंजेस जो है वो नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन जो है और डेक्कन प्लेन जो है, या कह लीजिए डेक्कन प्लेटू, इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन है, इसी को बोलते हैं हम लोग विंध्यास, ठीक है, विंध्यास हम लोग बोल रहे होते हैं। दे आर द डिवाइडिंग प्लेन, क्लियर। दीज आर नेम्ड आफ्टर द हिमालयन माउंटेन। अब ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, मतलब बहुत लंबी रेंज है और कई कई इसमें सीरीज, जैसे कैमूर हो गई, महादेव हो गई, मैकाल हो गए, नंबर ऑफ सीरीज आर देयर, जिसको कि आप लोग पढ़े भी होंगे, मैप वगैरह में लोकेट भी किए होंगे। द सिस्टम रॉक आर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान टू सासाराम बिहार, मतलब ये आपको राजस्थान से लेकर के फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद हमारी छत्तीसगढ़ और इस इलाके को लेकर के बिहार तक फैली हुई मिलेगी, जिसमें झारखंड वगैरह सारे के सारे स्टेट्स आ जा रहे होंगे। द विंध्यन सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम अरावली बाई ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। हम लोग जब आगे हिमालयन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे मैं आप लोग को बेसिकली तीन फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। एक बताऊंगा मैं आपको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में, मिड बेसिन फॉल्ट के बारे में, और सेंट्रल बाउंड्री फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। और ये पूरे फॉल्ट जो होते हैं वो हमें बेसिकली देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आप लोग केवल और केवल नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से ये विंध्यन रेंज डिवाइड कर रही होती है। फॉल्ट का मतलब यहां पर देखिए पूरी की पूरी अरावली रेंज है, और इस अरावली रेंज से ये विंध्यन अलग है, सेपरेटेड है, निकल के आ जा रही होती है। तो जब भी कहीं पर भी सेपरेट होती है, टूटा हुआ होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक फॉल्ट है। तो जो फॉल्ट होती है उसी का नाम दिया गया है, इसका नाम है GBT या GBF बोल सकते हैं। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहां पर ये निकल करके आ जा रहा होता है, जहां पर ये हमारी जो पूरी की पूरी विंध्यन है, दिस इज विंध्यन, और ये हमारी जो है वो अरावली है, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे होते हैं। क्लियर हो गया। दे आर फेमस सोर्स ऑफ रेड सैंड स्टोन, ठीक है, जो हमारे विंध्यन फॉर्मेशन है, दे आर फेमस सोर्स ऑफ रेड सैंड स्टोन एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल। द वेल नोन पूरा पन्ना एंड गोलकोंडा डायमंड माइंस आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉर्मेशन। अब जैसे पन्ना हो गया या गोलकोंडा हो गया, गोलकोंडा तो चलिए ठीक है ये तो कर्नाटका एरिया में चली जाती है, बट जो पन्ना है दिस कम्स अंडर मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का एरिया यहां पर क्या है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डायमंड माइन किया जा चुका है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इसको हटा दिया गया और इसको कभी भी नहीं लाया गया मार्केट में, बिकॉज दिस कैन डिस्टॉर्ट द मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकता था, इसलिए कभी लाया नहीं गया। अभी प्रेजेंट में अगर बात किया जाए तो इस इंडिया के डायमंड को हटा दिया गया, इसको कभी वर्ल्ड में नहीं लाया गया, कभी भी ये सामने नहीं आया। अगर प्रेजेंट केस में बात करें तो सबसे बड़ा डायमंड जो अभी तक एक्सकेवेट किया गया है, निकाला गया है, वो किया गया है लेसोथो से। लेसोथो एक साउथ अफ्रीका के पास में एक कंट्री पड़ती है जो कि चारों ओर साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। अब देखिए द इंपॉर्टेंट सीरीज क्या क्या है, इसमें बांदेर सीरीज हो गई, बिजवार सीरीज हो गई और कैमूर सीरीज हो गई। ऑल आर रिच सोर्सेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, तो ये बेसिकली सारे के सारे बिल्डिंग मटेरियल के सोर्सेज हो जाते हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बांदेर सीरीज ये कहां पर है, ये पाई जाती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यास। तो ये हमारे मान लेते हैं कि ये विंध्यास है, तो इसमें
इस सीरीज में यहां पर जो है वो पाई जाती है हमारी भांदेर सीरीज, दिस इज भांदेर। अगर हम लोग बिजवार सीरीज के बारे में बात करें तो बिजवार सीरीज पन्ना और छतरपुर में, मतलब इस एरिया में पाई जाती है, पन्ना के एरिया में पाई जा रही होती है। कैमूर सीरीज के बारे में बात करें तो दीज आर बेसिकली लोकेटेड हियर, तो ये आपकी बुंदेलखंड रीजन में, बाघेलखंड रीजन में ये पाई जा रही होती है। तो अगर ये हमारी विंध्या है तो इसके चारों ओर का इलाका ही भांदेर हो गया, फिर उसके बाद हमारी कैमूर हो गई और बिजवार हो गई। तो बिजवार हो गई और कैमूर हो गई, एक आइडिया लग गया कहां पर क्या है। तो विंध्या फॉर्मेशन इज लाइक दिस, ठीक है। और बाकी विंध्या फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इस मैप में देख ही लिया है, यहाँ पर देखिए मैप हम लोगों ने देखा हुआ है, दीज आर द विंध्या फॉर्मेशन, जहां पर ये बांधेर हो गई, जहां पर ये हमारी बुंदेलखंड रीजन हो गया, और ये हमारा जो साउथ का रीजन पन्ना वाला हो गया, ये वाला इलाका हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो आ जाता है पैलियोजोइक एरा। इस पैलियोजोइक एरा में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इनफैक्ट एक सीरीज में बात कर रहे होंगे, और सीरीज में हम लोग बात करेंगे हमारे इस कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस एरिया तक। ये कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस एरिया है, पूरा का पूरा मिला करके बताया जाता है कि ये पैलियोजोइक ग्रुप हो जाता है। तो वी हैव मूव्ड फ्रॉम आर्कियन प्रोटेरोजोइक टू नाउ पैलियोजोइक, हम लोग पैलियोजोइक में एंटर कर गए हैं, इस कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस में चले गए हैं, जहां पर कैम्ब्रियन आ जाती है, कैम्ब्रियन के अलावा ओडो विशियन आ जाती है, सिलूवेरियन आ जाती है, डिवोनियन आ जाती है, कार्बोनिफेरियस आ जाती है, और लास्ट में हमारी आ जाती है परमियन, विच इज बेसिकली अ ट्रांजिशन ऑफ पैलियोजोइक टू मीसोजोइक एरा, जैसा कि हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्ट्रक्चर में बात किया ही हुआ है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए अगेन ओडोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरियस एंड परमियन पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको कि हम लोग द्रविडियन एरा बोला जाता है हमारे इस इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो ये जो प्रोटेरोजोइक है बेसिकली इसको हम लोग द्रविडियन एरा बोल रहे होते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सर्फेस, अब ये जो हमारी लाइफ है वो पहले स्टार्ट होती है हमारी किस फॉर्मेट में, प्लांट के फॉर्मेट में हो रही होती है, और वो भी मरीन प्लांट के फॉर्मेट में हो रही होती है। इस प्लांट के बाद हमारी एक ऐसे जीव, एक ऐसे स्पीसी जन्म लेते हैं जो कि मरीन और फिर लैंड दोनों जगहों पर रह रहे होते हैं, और इस ट्रांजिशन के फॉर्मेट से जितने भी हमारे लैंड वाले, जितने भी हमारे स्थलीय जीव हैं, जो भी हमारे लैंड स्पीसी हैं, फिर वो डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से बिगनिंग ऑफ लाइफ हो जाती है हमारे इस द्रविडियन एरा में, जो कि हम लोग इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ रहे होते हैं। इट वॉज ऑल्सो द टाइम, इट वॉज ऑल्सो द ड्यूरेशन वेन पैंगिया वॉज ब्रोकन, और टेथीसी अब केम इन टू एग्जिस्टेंस हो जा रही होती है। तो इस तरीके से जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट वेगनर साहब के द्वारा बताया गया था पैंगिया, वो अब पूरा का पूरा टूट गया है, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और अब अलग अलग दो कॉन्टिनेंट के बीच में एक सुपर कॉन्टिनेंट जो टूट गया, कॉन्टिनेंट में बदल गया, अब कॉन्टिनेंट के बीच बीच में वाटर बॉडीज आ गई हैं, और जो इंडिया और यूरेशिया के बीच में सुपर मतलब की ओशन बॉडी आती है उसको हम लोग बोल रहे हैं टेथिससी। टेथिससी के अगर बारे में बात करेंगे तो दिस वॉज पार्ट ऑफ पेंथालसा, ठीक है, जो सुपर ओशियन था। दिस फॉर्मेशन वॉज एबसेंट इन पेनिनसुलर इंडिया बिकॉज इट वॉज द टाइम वेन हिमालयन रेंजेस वर गेटिंग डेवलप्ड। तो बेसिकली अभी हिमालय का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, बट स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एबसेंट इन एंशियंट इंडिया बट इट वॉज द टाइम वेन हिमालयन रेंजेस वर गेटिंग डेवलप्ड, स्टार्ट होने वाली थी, हुई नहीं है अभी फिलहाल, क्लियर हो गया। इसमें आ रहे आगे बात करें तो देखिए इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बात करें तो गोंडवाना फॉर्मेशन, और गोंडवाना फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को बताया ही कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का प्रेजेंटली अगर तेलंगाना के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए एक गोंड ट्राइब है, और यही गोंड ट्राइब से स्टार्ट होती है इसकी रिसर्च, एंड इसीलिए इसका नाम पड़ गया था गोंडवाना फॉर्मेशन। दे आर फ्लुविटाइल एंड लैकोस्टरीन इन कैरेक्टर। लैकोस्टरीन का मतलब क्या होती है, जो भी ग्लेशिएटेड मटेरियल बोल दीजिए या मरीन मटेरियल, मरीन डिपॉजिट्स होती है, वो जब इकट्ठा हो जाती है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग लैकोस्टरीन मटेरियल, या फिर इसी को बोलते हैं ज्योग्राफी के टर्म में करेवास, ठीक है, करेवास भी बोला जाता है इसको, क्लियर। तो दे वर डिपॉजिटेड इन रिवर बेसिन ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। तो अपर कार्बोनिफेरियस का मतलब कि अब हम लोग मूविंग टूवर्ड्स मीसोजोइक एरा में हम लोग मूव करना शुरू कर देते हैं अपने इस पैलियोजोइक ग्रुप से। दे वर डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन, तो देखिए यही जो लैकोस्टरीन या करेवा है ये मरीन डिपॉजिट है जो कि अब रिवर बेसिन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। बेसिकली द गोंडवाना रॉक्स गॉट डेवलप्ड इन ड्यूरिंग दिस मीसोजोइक एरा, यानी कि पैलियोजोइक एरा में कुछ खास होता नहीं है, बस यहां पर क्या होती है एक बैकग्राउंड डेवलप हो रहा होता है, भूमिका बदल रही होती है, और यहां पर लैकोस्टरीन मटेरियल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं,
बेसिकली ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है मीसोजोइक एरा में, और मीसोजोइक एरा में जा करके हमें एक डिपॉजिटेड मटेरियल से, सेडिमेंट मटेरियल से मेटामॉर्फिक फॉर्मेट में नई रॉक फॉर्मेशन, नई स्ट्रक्चर, नई रिलीफ देखने को मिल जा रही होती है, और वही हम लोग मूव कर जाते हैं अपने इस मेसाजोइक एरा में, जो कि हम लोग बोलते हैं गोंडवाना सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना सिस्टम अपने इस इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। मेसाजोइक एरा का मतलब क्या है? मेसाजोइक एरा का मतलब है मिडिल लाइफ। द टर्म इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन विच द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेटेड द रॉक। नाउ अब क्या हुआ कि इनवर्टिब्रेट्स वगैरह डेवलप करना शुरू हो गए थे, मतलब रीढ़ की हड्डी जिनके जिनके पास होती है वो सारे के सारे डेवलप करना शुरू कर गए थे। इस डेवलपमेंट में होता क्या है कि इन द इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस टू द बिगिनिंग ऑफ सीनोजोइक एरा और द आर्यन एरा। सीनोजोइक एरा को हम लोग आर्यन एरा बोलते हैं, हमारे इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में हमें डिस्कशन भी करना है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर द मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। अब जैसे क्या होता है कि हमारे पास अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दो हमारे सुपर मतलब कह लीजिए कॉन्टिनेंट टूटने के बाद बोला गया। गोंडवाना लैंड में उतना कुछ खास कोल प्रॉपर्टीज, कोल चीजें नहीं पाई जाती हैं, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें भी होती हैं। दे आर द मेजर कोल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के फॉर्मेट में बात करते हैं तो। द सिस्टम कंटेन्स फेमस तालचर सीरीज, दामोदर सीरीज एंड पानशेट सीरीज विच आर फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स। और ये सारी की सारी पाई कहां जाती है? ये पाई जाती है यही छत्तीसगढ़ ओडिशा के पास में। द इम्पॉर्टेंट कोल बियरिंग एरियाज ऑफ द सीरीज आर रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, करनपुर हो गया, बुकारो हो गया, दामोदर बेसिन हो गया जो कि हमारे ओडिशा में पाया जाता है, पिंच वैली छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश। इसके अलावा झारसुगुड़ा माइंस वगैरह पाया जाता है वहां पर, छत्तीसगढ़ वगैरह में पाई जा रही होती है। द गोंडवाना सुपर ग्रुप फॉर्म्स अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ फ्लुविटाइल रॉक डिपॉजिटेड इन परमो कार्बोनिफेरस टाइम, दामोदर एंड सोन रिवर वैली एंड राजमहल हिल्स इन द ईस्टर्न इंडिया इज डिपॉजिटरी ऑफ गोंडवाना रॉक्स। तो दीज आर बेसिकली सम रिवर्स जो कि इधर उधर करके मतलब थोड़ी सी लाइंस वगैरह बढ़ा दिया है आपके लिए। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर कुछ जो हमारे गोंडवाना एक्सपोजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पूरा का पूरा जितना भी आप लोगों ने रीजन पढ़ा है वो सारे रीजन को इन्होंने अलग अलग तरीके से लिख दिया है। जैसे हमारा तालचर की ये सीरीज हो गई, इसके अलावा रानीगंज झरिया वाला ये सीरीज हो गया, और यहाँ पर हमें बाकी इस इलाके में हमें मिल जाएगा जो कि ये कोलफील्ड के बारे में बता रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, गोंडवाना के सिस्टम है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये विंध्यांस के ही मतलब नेबरिंग में मिल रहे होते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बात किया जाए आर्यन फॉर्मेशन के कुछ सेलियंट फीचर के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से बन जा रहे होते हैं। तो आर्यन फॉर्मेशन के कुछ सेलियंट फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिए ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड, अपर कार्बोनिफेरस का पीरियड का मतलब क्या हो गया, दिस इज बेसिकली मीसोजोइक, ठीक है। तो अपर कार्बोनिफेरस कहीं पर भी लिखे उसका मतलब होता है मीसोजोइक एरा, ठीक है। मीसोजोइक द हिमालयन रीजन वाज ऑक्युपाइड बाय ए वास्ट जियोसिंक्लाइन व्हिच वाज कनेक्टेड टू पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट थ्रू चाइना। तो बेसिकली क्या है, यहां पर देखिए यह हमारा ऊपर है चाइना जिससे हम लोग अभी टकराने वाले हैं। दिस इज यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट, यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट या बोल सकते हैं कि दिस इज यूरेशियन प्लेट या कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, और यहां पर है चाइना। तो दिस इज द ईस्ट पार्ट, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी हमारी पैसिफिक ओशियन डेवलप हो रही होती है। एंड थ्रू चाइना एंड द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट थ्रू अफगानिस्तान, ईरान, एशिया माइनर एंड प्रेजेंट मेडिटेरेनियन सी। तो इस इलाके में ये पूरे के पूरे और यहीं से हमारा इंडिया आ रहा है, ठीक है, एशिया माइनर एंड प्रेजेंट मेडिटेरेनियन, दे आर कॉल्ड टेथिस सी। अब यहां पर ये हमारी जो टेथिस सी है ये डेवलप है, दिस इज टेथिस सी, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्यन फॉर्मेशन का बैकग्राउंड बताया कि लोकेशन क्या है। तो ये लोकेशन के बारे में बता रहा है कि मीसोजोइक एरा में किस तरीके की सिचुएशन थी, तो आप देख लिए किस तरीके की सिचुएशन है। द एरिया ऑफ कश्मीर, हिमालय, पंजाब, जो पीर पंजाल का इलाका, दिस इज पीर पंजाल, हजरा इन द नॉर्थ वेस्ट एंड लद्दाख इन द नॉर्थ ईस्ट, ये जो कश्मीर हिमालय है विटनेस्ड वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी फिलहाल इस केस में, मीसोजोइक में। द अपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना लैंड डेवलप्ड फिशर्स एंड इट्स ब्रोकन पार्ट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और इस तरीके से फिशर्स वगैरह डेवलप हो गया और इधर उधर ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिए। द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट टू कोलाइड विद एशियन लैंड मास, यूरेशियन प्लेन, और इस तरीके से ये ड्रिफ्ट होकर के ऊपर के साइड में कोलाइड करना शुरू कर जाता है। देयर वॉज लार्ज स्केल इरप्शन ऑफ लावा इन द डेक्कन ट्रैप, या अगेन एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो रही होती है हमारे डेक्कन ट्रैप में, वहां पर अपनी अलग तरीके से लार्ज इरप्शन ऑफ लावा हो रहा होता है।
द डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये अगेन एक इंडिपेंडेंट चीज हो रही होती है जो कि टूटने की वजह से हो रही होती है, और ये टूटने की वजह से यहां पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में एक्सपेंशन देखने को मिल जा रहा होता है। टर्शरी माउंटेन डेवलपमेंट या अल्टीमेटली हमें हिमालय का जन्म दे रही होती है, और ये जो टर्शरी स्टार्ट होती है ये बेसिकली मीसोजोइक एरा के बाद नेक्स्ट एरा टर्शरी एरा में हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही होती है। तो बेसिकली टर्शरी एरा में हुआ क्या है कि यहाँ पर टेथिस सी डेवलप हो ही रखी थी, बाकी वोल्केनिक एक्टिविटी अलग अलग जगह पर होना शुरू हो गई थी, और इसके कारण से ये जितने भी कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट है ये अलग अलग ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, और इस ड्रिफ्टमेंट के कारण से ही हमारी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ का इलाका अब ये जाकर के एशियन लैंडमास में जाकर के टकराना शुरू कर देगा, और टकराने के बाद अब अगले फेज में अगले एरा में हमारी हिमालय का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द आर्यन फॉर्मेशन, जहां पर हिमालय के कह सकते हैं कि आर्यन फॉर्मेशन का जो कंक्लूजन है, आर्यन फॉर्मेशन का जो एंड है, वही हिमालय की शुरुआत बन जा रही होती है। तो दिस इज द सेलियंट फीचर ऑफ आर्यन फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे इसलिए, ठीक है। तो द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एज्यूम्ड इट्स प्रेजेंट शेप, इस तरीके से सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया जो होती है आज की शेप में आ जाता है। बिगिनिंग ऑफ आइस एज प्लीस्टोसीन आइस एज स्टार्ट हो जा रही होती है, कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर अर्थ अंडर आइस शीट वाले कवर में आ जाती है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन देखिए मैं अलग से कवर करूंगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टेंशन नहीं लेना है। इवोल्यूशन इन स्प्रेड ऑफ मैन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से आज की डेट की सिस्टम स्टार्ट हो जा रही होती है। इसके बाद आगे हमारा सिस्टम आता है क्रिटेशियस सिस्टम, जो कि डेक्कन ट्रैप भी हम लोग बोलते हैं। क्रिटेशियस सिस्टम अगेन मीसोजोइक एरा का ही एक पार्ट होती है, दिस इज मीसोजोइक एरा का पार्ट, जहां पर क्रिटेशियस सिस्टम इज द कह सकते हैं कि लास्ट एज, जिसके बाद अब हिमालय का फॉर्मेशन या अब सीनोजोइक एरा स्टार्ट हो जाएगा, टर्शियरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ था कि डेक्कन ट्रैप हमारी डेवलप करना शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी हम लोगों ने आर्यन फॉर्मेशन में ही बात किया कि यहां पर अलग अलग जगहों पे वोल्केनिक एक्टिविटी होनी शुरू हो गई थी, और इस वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण से जो हमारी डेक्कन है, जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पर ये पूरा का पूरा स्प्रेड कर गया, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेक्कन लावा या डेक्कन ट्रैप के फॉर्मेट में डेवलप हो गया था। अगर इस डेक्कन ट्रैप के बारे में अगर बात किया जाए तो टर्म क्रिटेशियस हैज बीन डिनाइड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेटा, जिसका मतलब होता है चौक, ठीक है, चौक मतलब लाइमस्टोन। द पीरियड इज मार्क्ड बाय द ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी, यहां पर क्या हुआ, ट्रांसग्रेशन ऑफ सी मतलब जो टेथिस सी है वो अब ट्रांसग्रेस कर रही है, वो अब हट रही है टेथिस सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इलाके जो होते हैं वो जा करके लड़ना शुरू होने वाला है, कोलिजन स्टार्ट होने वाला है, और पोरिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लावा सो एज टू फॉर्म द डेक्कन ट्रैप एंड इंट्रूजन ऑफ प्लूटोनिक रॉक सच एज गैब्रो एंड ग्रेनाइट। अब देखिए हमारे पास जो प्लूटोनिक रॉक वगैरह है, इंट्रूसिव रॉक वगैरह है, ये आपको पता होगा, या फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग बात भी करेंगे, छोटा सा आइडिया दे दे रहा हूं। जैसे क्या है कि मान लेते हैं ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्वियसली नीचे से स्टार्ट हो रही है, एस्थनोस्फीयर वगैरह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यहां से वोल्केनिक एक्टिविटी जब शुरू हो रही होती है, अगर इस सरफेस को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाती है, सपोज ये नहीं हो रहा है, तो अंदर ही अंदर ये ट्रैप हो जाती है, और इस ट्रैपिंग के कारण से यहां पर जो रॉक सिस्टम डेवलप होता है, अभी कैसे रॉक सिस्टम डेवलप होगा, विद द टाइम द सरफेस इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड, इरोड हो जाएगा, इरोड होने के बाद ये हमारी जो यहां पर इस तरीके से माउंटेन या फिर इस तरीके से जो रॉक निकल के आएगी वो एक तरीके से इग्नियस इन नेचर रहेगी, दिस विल बी इग्नियस इन नेचर, और ये जो इग्नियस इन नेचर रहेगी ये मैग्मेटिक फॉर्मेट रहेगा जो कि इंट्रूसिव रॉक है। व्हाई इंट्रूसिव, बिकॉज इट हैज बीन डेवलप्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के नीचे डेवलप हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या चीज, ये एक डेक्कन ट्रैप का प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव रॉक है। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि डेक्कन ट्रैप बना, इंट्रूजन ऑफ प्लूटोनिक रॉक बनी, और जो गैब्रो और ग्रेनाइट वगैरह ये सब डेवलप हो गया। द जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल लैंड एरिया ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, एक हो गया जो हमारा डेक्कन ट्रैप है जो कि गुजरात महाराष्ट्र इस एरिया में आप बोल सकते हैं, दूसरा एक इलाका बन गया जो विंध्यन है जो जस्ट ऊपर है इसके, तो ये बन गया हमारा विंध्यन का इलाका बन गया विंध्यन, ठीक है, ये इलाका बन गया जो डेक्कन ट्रैप का इलाका बन गया डेक्कन ट्रैप। इस डेक्कन ट्रैप में देखिए कुछ गुजरात का एरिया है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का एरिया है, और कर्नाटका का भी कुछ एरिया है। तीसरा जो इलाका बनता है वो बनता है गोंडवाना, तो ये जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इधर का रीजन बन जाता है ये बन जाता है गोंडवाना। क्लियर हो गया क्या चीज है, और नीचे जो पार्ट है ये तो हमारी नीचे बची हुई पार्ट है, ये तो हमारी क्या है,
ये हमारी आर्कियन रेंज बनी ही हुई है, दिस इज आर्कियन फॉर्मेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो आपको एक साउथ इंडिया का पूरा पूरा एक पिक्चर देखने को मिल गया कि ये शुरू होती है जो मध्य प्रदेश से शुरू हो रही है, यहां पर गुजरात है, और यहां पर आप बोल सकते हैं कि दिस इज उड़ीसा, और यहां पर ये हमारी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इस तरीके से पूरा का पूरा साउथ इंडिया का एक फिगर देखने को मिल रहा है, विच कैन बी डिवाइडेड, या कह सकते हैं दिस पेनिनसुलर इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज डेक्कन ट्रैप, गोंडवाना एंड विंध्यास। कुछ क्लैरिटी आई क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, द डेक्कन सिस्टम इज मार्क्ड बाय द ट्रांसग्रेशन ऑफ सी, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया। दिस ट्रांसग्रेशन ऑफ सी कहां कहां देखने को मिला? हर जगह देखने को मिला। एक तो देखने को मिला हमारी जो टेथिस सी ऊपर है ही, वो हट रही है। फिर हमारी जो कोरोमंडल तट है, जो कोरोमंडल कोस्ट है, वहां से भी हमें ट्रांसग्रेशन ऑफ सी देखने को मिला। नर्मदा वैली एंड अपवेलिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लावा, क्यों? क्योंकि दिस सरफेस वॉर बेसिकली वॉट, दिस सरफेस वॉज बेसिकली, ये भी अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब हील हो रहा था, ऊपर उठ रहा था, चीजें ऊपर उठ रही थी। जब उस चीजें ऊपर उठेंगी तो ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी देखने को मिल रहा होगा। एंड दिस वॉज बेसिकली वॉट, तो सो द सी, जो हमारी क्रिटेशियस सिस्टम एंड डेक्कन ट्रैप इज मेड ऑफ बसाल्ट लावा, बसाल्ट रॉक, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा लावा फॉर्मेशन हुआ, डेक्कन ट्रैप के फॉर्मेट में बना। द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एंड लावा ट्रैप एंड इज 3000 मीटर डीप। दिस रॉक ऑफ द सिस्टम वॉज फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड कर्नाटक, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो सम पार्ट ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु, इनकर, केरला, ये मिलकर के क्या बना दिया हमारा पूरा का पूरा आर्कियन सिस्टम। द डेक्कन ट्रैप कवर्स ऑलमोस्ट, लेट मी क्लियर इट, यस, डेक्कन ट्रैप कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड मार्जिनली आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो डेक्कन ट्रैप के बारे में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, वो पूरा का पूरा इलाका समझ में आ गया। आंध्र प्रदेश का इलाका बेसिकली क्या बन गया? गोंडवाना का इलाका बन गया, और बाकी जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो बेसिकली बन गया क्या? विंध्या का इलाका बन गया। देखिए बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा एक फिगर आपके दिमाग में छप जाए। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन कर रहे होंगे तो पूरा का पूरा आपको फोटो सामने आएगा, तो आपको ये जो चैप्टर है वो टफ नहीं लगेगा, वो आसान लगना शुरू हो जाएगा। और फिर जब हम लोग आगे बात करेंगे, लगातार हम लोग जब इस सिस्टम को बात करेंगे, इस लगातार जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यूज करेंगे, तो आपको ये सिस्टम, ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। द डेक्कन ट्रैप इज थॉट टू हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब एरिया वोल्केनिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द कॉन्टिनेंटल डेविएशन इन दिस पार्ट ऑफ अर्थ ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। दिस इंप्लाइज दैट जनरली द रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप आर इग्नियस। तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है, अगर ये लावा से बना है तो ऑब्वियस ही बात है कि इग्नियस रॉक से ही मिल करके बनने वाला है। और ये क्या हुआ, अल्टीमेटली दिस हैज स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ बिगिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल डेविएशन। तो कॉन्टिनेंटल डेविएशन यहां से होना शुरू हो गया था। वाई? क्योंकि अब ये सर्फेस देखिए एक्सपोज कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, ट्रांसग्रेशन ऑफ सी स्टार्ट हो गया है होना, टेथिस सी से जाकर के अब अगले पल भी लड़ने वाला है और टर्शियरी एज बनाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा ये सिस्टम देखा। अगर आप एरिया देखेंगे तो ये पूरा का पूरा देखिए महाराष्ट्र का एरिया, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये हमें देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है, दैट इज द टर्शियरी सिस्टम। और ये टर्शियरी सिस्टम हमें अगेन कुछ इपो के साइड में लेकर के आता है। ये जो इपो हमारे हैं, जैसे हमारा पैलियोसीन इपो हो गया, इयोसीन इपो हो गया, ऑलिगोसीन इपो हो गया, मायोसीन इपो हो गया और प्लायोसीन इपो हो गया। तो ये हमारी टर्शियरी सिस्टम जो कि सीनोजोइक एरा में बन रही होती है, विच इज सेकेंड लेटेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। दिस बिलोंग टू सीनोजोइक एरा एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड दिस हैज टू पीरियड, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। जो टर्शियरी है वो हमारी जस्ट पुरानी, और क्वार्टरनरी हमारी जिस एज में हम लोग जी रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट मॉडर्न बिगिनिंग ऑफ टर्शियरी पीरियड इज 66 मिलियन ईयर्स बैक। तो खैर ये तो ज्योग्राफी है, तो ऑलरेडी बहुत पुरानी पुरानी बातें हम लोग बात करेंगे ही। इसमें होगा क्या, अगर हम लोग बात करते हैं जस्ट पहले जो हम लोग देख रहे थे, जो हमारी पीरियड थी जिसको हम लोग क्रिटेशियस पीरियड बोले हुए हैं, इस क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था कि ट्रांसग्रेशन ऑफ सी स्टार्ट हो गया था। फिर जितने भी जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो ऊपर उठना शुरू हो गया था, और ऊपर उठने के साथ साथ टेथिस सी रिसीड करना शुरू कर दी थी, और अगले ही पल अब कोलिजन होने वाला है। तो अब अगला पल देखते हैं कि क्या हो रहा है। द फाइनल ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड अकर्ड इन दिस एरा एंड टेथिस सी गॉट लिफ्टेड इन द हिमालया। अब हिमालयन फॉर्मेशन अल्टीमेटली हो गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक ऑफ द सिस्टम आर इन नदन प्लेन ऑफ इंडिया, करेवाज ऑफ कश्मीर एंड भादरवड़, भांगर और बाकी जो चीजें यहां बताई गई हैं ग्रेट प्लेन्स के बारे में।
तो दिस इज बेसिकली क्या हो गया, जैसे क्या हुआ, अब देखिए हम लोगों ने बात किया होता कि जो हमारा कोरोमंडल है वो ट्रांसग्रेस हुआ, वो वहां से हटा, वहां से चीजें हटी, तो यहां से लैक्यूस्ट्रीन मटेरियल आ गया थे, बात किए थे कि नहीं हम लोग, लैक्यूस्ट्रीन मटेरियल आ गया था, ओडिशा वाला एरिया डेवलप कर गया था। सिमिलरली जब यहां पर टेथिस भी जाएगी तो उसके भी तो लैक्यूस्ट्रीन आएंगे, उसका भी तो प्लेन बनेगा, और ये जो प्लेन बना वो बेसिकली ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बना दिया, जो कि हम लोग देख रहे हैं, बता रखा है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ये बना दिया गया बाय द करेवाज ऑफ कश्मीर एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें हो गई हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द टेथिस सी, क्लियर। द ट्रेसेस ऑफ झेलम हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा कावेरी, ये सारा का सारा इसी फेज में हमें देखने को मिल रहा होता है। कृष्णा कावेरी, गोदावरी, ये दोनों के दोनों, ये तीनों रिवर कोरोमंडल के कारण से आ रही होती है, और बाकी की सारी हमें नॉर्थ इंडिया से देखने को मिल रही होती है। द रॉक ऑफ द सिस्टम आर ऑल्सो फाउंड इन द कोस्ट ऑफ कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, नीलगिरी एंड ईस्टर्न घाट, क्यों, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास बे ऑफ मतलब सॉरी अरेबियन सी के पार में आ जाती है, क्योंकि अगेन देखिए दिस वाज द इंडिया, अगर ये इंडिया है और यहां पर ये इस तरीके से अगर ये उठना शुरू कर दिया है तो ट्रांसग्रेशन तो दोनों साइड से होगा, चाहे वो अरेबियन साइड से हो रहा हो, चाहे बे ऑफ बंगाल साइड से हो रहा हो, चाहे वो ऊपर हमारी टेथिस सी की साइड से हो रहा हो, तो तीनों साइड से हमें देखने को मिलेगा, तीनों साइड से हमें नई रिवर्स मिलेंगी, तीनों साइड से ही हमें नए नए इलाके देखने को मिल रहे होंगे, एंड दिस हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस ईस्टर्न घाट। हालांकि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का डेवलपमेंट ये अभी क्लियर नहीं है, हम लोग बात भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी भी इन दोनों के बारे में क्या थ्योरी है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, डिस्कस अभी नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, रिसर्च अभी ऑनगोइंग है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पीरियड आता है, दैट इज अ क्वार्टरनरी पीरियड विच इज द मोस्ट मॉडर्न पीरियड। इस मोस्ट मॉडर्न पीरियड में बेसिकली दो इपो आते हैं, एक इपो आता है जो हमारा प्लीस्टोसीन आइस एज वाला पार्ट हो जाता है, और दूसरा हो जाता है हमारा होलोसीन, और ये होलोसीन अभी प्रेजेंट केस है, इसी एज में हम लोग, इसी इपो में हम लोग अभी फिलहाल जी रहे हैं। दिस आर द वेरी रिसेंट डिपॉजिट, दिस कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ स्पीसी विद लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नदन पांड। अब लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या हो गया, जहां पर हमें फ्यूल रिसोर्स वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये दे रहा होता है। नदन प्लेन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन पीरियड ड्यूरिंग क्वार्टरनरी पीरियड आइस शीट्स डिसेंडेड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, जो पूरा का पूरा आइस शीट से ढक गया था वो अब रिसीड करना शुरू कर दिया, और रिसीड करने के कारण से ही अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा हुआ था वो अब हट गया था, मेटामॉर्फिक फॉर्मेट में चीजें निकल करके सामने आई और अब एक्सपोज टू द सरफेस हो गई। थर्ड डिवीजन जो इंडिया का है विच इज द ग्रेट इंडिया, ग्रेट गंगटी की ब्रह्मपुत्र प्लेन, अभी भी क्या हुआ, पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं हुआ था क्वार्टरनी पीरियड में, अभी भी क्वार्टरनी पीरियड में पूरी तरह से फिगर आउट नहीं है। दिस हैज बीन, ये अभी क्या है, धीरे 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 डेवलप हो ही रही है फिलहाल में। द बॉटम कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस प्लेन ऑक्यूपाइज लार्जली अ सिंक्लिनल बेसिन। अब ये सिंक्लाइन क्या होती है, एंटीक्लाइन होती है, ये हम लोग बात करेंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन का मतलब समझ लीजिए कुछ इस तरीके से होता है, एक चीज ऐसे होती है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, दिस इज सिंक्लाइन, दिस इज सिंक्लाइन, ये एंटीक्लाइन होती है। तो सिंक्लाइन का मतलब क्या हो गया, कोई डीप में गड्ढा खुदा हुआ है, एंड दिस इज द फोर डीप विच इज डाउनवार्प ऑफ हिमालयन फोरलैंड ऑफ वेरिएबल डेप्थ फॉर्म्ड कॉन्कमिटेंटली विद द राइज ऑफ हिमालय टू द नॉर्थ। तो इस तरीके से हमारी सरफेस इस तरीके से डेवलप होना शुरू हो गई, और इस तरीके से हमारी जो आज की हिमालयन सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। बाकी हिमालय के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो वहां पर काफी डिटेल में देखेंगे व्हाट इज सिंक्लिनल बेंड, व्हाट आर द थ्रस्ट जो है, क्या इसमें कह लीजिए कि बेंडिंग किस तरीके की हो रही है, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट किस तरीके का है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली क्वार्टरनरी फॉर्मेशन, जहां पर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये पूरा का पूरा एरिया देखिए आपको देखने को मिल जा रहा है। क्लियर हो गया, बाकी देखिए यहां पर भी कुछ कुछ पार्ट है जो रिसीड होने के बाद की चीजें हैं, तो ये सब चीजें देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हिमालय विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो देखिए यहां पर जो बातें करेंगे हम लोग वो बातें करेंगे सो करेंगे ही, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बाद एक क्वेश्चन भी दे दूंगा, क्वेश्चन भी आप लोग करके देखिएगा क्या है। बेसिकली जो हिमालय का अपहीवल होता है वो तीन फॉर्मेट में होता है, तीन फेज में होता है। हम लोगों ने बात किया ही कि जो हिमालय की अपहीवल होनी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट होती है हमारी कब, टर्शियरी फेज से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली टर्शियरी, टर्शियरी से डेवलप होना शुरू होती है, क्वार्टरनरी तक ये चल रही है। इनफैक्ट जो अभी भी क्या हिमालय डेवलपमेंट में ही है, अभी भी देखिए हाइट राइज कर ही रहा है। तो फर्स्ट अपहीवल होती है ईओसीन में, और ईओसीन होती है कहां पर, टर्शियरी में, और ये कल्मिनेट कब करती है, ऑलिगोसीन में, जो कि अगेन
टर्शरी का ही नेक्स्ट फेज आती है, मतलब ईओसीन के बाद ऑलिगोसीन आता है और वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, मतलब जो बाहरी हिमालय है, इनर हिमालय है, वो डेवलप हो जाना शुरू कर देता है, लाइक काराकोरम, दिस इज काराकोरम, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इट हैज बीन फॉलोड बाय अ मोर इंटेंस मूवमेंट ड्यूरिंग मिड मायोसीन पीरियड, ईओसीन ऑलिगोसीन और उसके बाद से मिड मायोसीन जो पीरियड आता है, इस मिड मायोसीन पीरियड से हमारी जो लेसर हिमालय है वो डेवलप करना शुरू कर जा रही होती है। इस थर्ड अपहीवल फिर होता है जो कि पोस्ट प्लीस्टोसीन पीरियड होता है, एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ आउटर हिमालय या फिर शिवालिक का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारा होलोसीन पीरियड है उसमें भी एनफ एविडेंसेज आर देयर टू प्रूव दैट हिमालय इज स्टिल राइजिंग। आप इसको कोट कर सकते हैं कि दिस इज द होलोसीन, होलोसीन है ये भी, अगेन क्वार्टरनरी फेज का होलोसीन इपो आ जाता है, जहां पर अभी भी हिमालय का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जा रहा होता है। अगर हम अपने हिमालय के डेवलपमेंट को देखते हैं फ्रॉम द टर्शरी पीरियड, हम लोग देख रहे थे टर्शरी से अगर हम लोग क्वार्टरनरी तक देखते हैं, तो देखिए यहां पर आपको एक फिगर देखने को मिलेगा, जहां पर देखिए परमियन पीरियड के बारे में बात किया गया है पहले, और ये परमियन पीरियड हमारी देखने को मिलती है कब, ये मिलती है हमें मीसोजोइक के अर्ली एजेस में। तो मीसोजोइक के अर्ली एजेस में देखिए यहां पर पूरी की पूरी टैथिस फैली हुई है, यहां पर हमारी जो बाकी अरेबियन वगैरह ये फैला हुआ है, दीज आर द सेडिमेंट्स बेसिकली। क्या हुआ, रिसीड करना शुरू कर दिया, रिसीड जो हो रही है वो जुरासिक पीरियड में हो रही है। जुरासिक के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ईओसीन पीरियड आता है जो कि टर्शरी एजेस में आ जाता है, और यहां पर क्या हुआ देखिए रिसीड करना अब स्टार्ट हो चुका है। रिसीड करने के बाद जो मायोसीन पीरियड होती है, यहां पर देखिए अब ये टक्कर मार दिया इनके साथ में, नाउ हिमालय इज गोइंग टू बी डेवलप्ड, तो हिमालय इस तरह से डेवलप जाएगी। आगे जब हम लोग बात करेंगे मायोसीन के बाद, जो प्लीस्टोसीन में बात करेंगे, प्लीस्टोसीन में बात करेंगे, तो हमारी तीन रेंजेस डेवलप हो जाती हैं। एक है जो ग्रेटर हिमालय बन जाती है, मिडिल हिमालय बन जाती है, और लेसर हिमालय शिवालिक्स बन जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा हिमालयन सिस्टम के बारे में देखा। नाउ वी हैव क्वेश्चन फॉर द डे। अब मैं यहां पर दो क्वेश्चन बोलूंगा, एक तो क्वेश्चन लिखा हुआ और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग राइट डाउन करिएगा। पहली तो क्वेश्चन लिखिएगा कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है, या कह लीजिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल के फॉर्मेट में डिस्कस करिए हिमालय का फॉर्मेशन। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो कोस्ट लाइन के बारे में हम लोगों ने बात किया भी है इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कोरोमंडल के बारे में, अरेबियन के बारे में, और फिर टेथिस के भी बारे में। तो आपको कोस्ट लाइन के बारे में बात करना है केवल, कोरोमंडल वाला और केवल आपको अरेबियन वाला बात करना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बोला ये कि डिस्कस द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ हिमालय ऑफ इंडिया। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, टेलीग्राम की चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने आंसर्स उसी टेलीग्राम बॉक्स में आप लोग भेज सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ डिटेल्स दिए थे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन ऑल्सो सेंड योर आंसर ऑन दैट ईमेल, जो ईमेल आईडी दी हुई है recognitionis@gmail.com, वहां पर भी भेज सकते हैं। इवेल्युएट करके आपको विद इन टू डेज आपको दे दिया जाएगा फीडबैक के साथ क्या चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।